हे गाइस, हम साक्षी गोस्वामी, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग इंस्पायरिंग चैनल। आ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस, अच्छे से अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज इस साल एग्ज़ाम निकालना है, ये जिद है हमारी। ओके तो आप लोगों की SBI RRB PO क्लर्क भौकाल टू डू लिस्ट 40 डेज स्ट्रेटेजी डे 16 पर आ चुके हैं हम, और आज है आपका संडे। संडे फंडे बोलते हैं हम लोग ऐसा शुरू से ही, तो इसमें आपका कुछ अलग तरीके से रहता है। सैटरडे संडे में मेरी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हर दिन एक जैसा लेके नहीं चल सकते। एक जैसा लेके चलेंगे बोर होंगे, जल्दी हम लोग छोड़ देंगे, नहीं मन करेगा कि हाँ करना है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस में बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों को ये चेंजेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करो। आप लोगों ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं बोलती हूँ जितने व्यूज़ जा रहे हैं एटलीस्ट उतने कमेंट्स आने चाहिए। मुझे सबसे सुनना है, सबसे जानना है। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट किया करो गाइस। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट डाल रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, और आप लोगों का सिलेक्शन कराना ही मेरा मेन लक्ष्य है। इसलिए मैं ये टू डू लिस्ट इस टाइम पर आपको मॉर्निंग में 4 बजे देती हूँ कि इसका आपका दिन भर का जो भी आपका रूटीन है वो इसके अकॉर्डिंग बने और आप लोगों को भी फायदा हो। बहुत बच्चों को फायदा इससे हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट। उससे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट, मोटिवेशनल लाइन, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है पूरे दिन को अच्छे से मेहनत के साथ पूरा इस टू डू लिस्ट को पूरा करने में। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। गाइस, मेहनत बहुत ज़रूरी है। किसी भी आपने देखा है ना कि हाँ ये इंसान इस मुकाम पर पहुंचा है, उसने बहुत मेहनत की होती है गाइस, ठीक है। तो मेहनत आप लोग कर रहे हो, अपने पर भरोसा रखो, आप लोगों का ज़रूर निकलेगा एग्ज़ाम, ज़रूर आप लोग भी बैंक में PO बन के बैठे होंगे, बैंक में ऑफिसर बन के बैठे होंगे। चलिए कवर दैट टॉपिक्स विच आर नॉट कम्प्लीटेड येट। आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर अब टाइमिंग्स नहीं है, क्योंकि आज का टाइम आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग रखना है। कवर उन टॉपिक्स को करना है जो अभी तक आप लोग के कम्प्लीट नहीं हुए हैं, जिस भी रीज़न से रह गए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैटरडे संडे आप दिन दो दिन ले लीजिए, लेकिन उसको कर लीजिए। मैंने आपसे बोला था सैटरडे में भी, और आज संडे है, आज भी आपसे बोल रही हूँ, उन टॉपिक्स को कवर करिए। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, द हिंदू के न्यूज़पेपर से आप लोगों को करनी है। द हिंदू का न्यूज़पेपर जिनके यहाँ अभी नहीं आता है, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली मॉर्निंग में इसका लिंक देती हूँ, PDF देती हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़िए। और आपको पढ़ते टाइम पे वर्ड कलेक्शन करना है। वर्ड कलेक्शन क्या है गाइस? वर्ड कलेक्शन वो वर्ड्स जो आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं, जिनका मीनिंग, उनको अपनी एक नोटबुक, एक पेन पेपर लेके बैठना है, उसमें लिखना है, उसके आगे उसका हिंदी मीनिंग लिखना है, साइनो एंटो लिखने हैं, और कोशिश करनी है कि उससे रिलेट करते हुए एक आध सेंटेंसेस अपनी लैंग्वेजेस में बना रहे, जैसे आपको क्या हो कि आपको वर्ड याद रहने लगे। हिंदी न्यूज़पेपर मैंने उन बच्चों के लिए लिखा है जो RRB PO क्लर्क की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हिंदी से अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें अभी से ही। 11 बजे से 12 बजे तक आप लोगों को पता है मैं अनअकैडमी पर क्लास देती हूँ। सैटरडे संडे दो टाइम पर क्लास होती है। वीडियोज़ ऑन अनअकैडमी BAC10 मेरा कोड है। 11 से 12 आप लोगों का मॉक टेस्ट रहता है, जिसमें कि आज क्वांट एंड रीजनिंग दोनों का मैं मॉक कराने वाली हूँ 11 से 12 बजे में। और 3 से 4 बजे आपका DI और पजल्स रहती हैं गाइस, मेंस लेवल पजल और DI की कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को समझ में आए। जिससे CA वीडियोज़ आप लोगों को देखना है, करंट अफेयर्स का वीडियो कहाँ से, Under247 यूट्यूब चैनल पर आशीष गौतम सर का आप लोग देख सकते हो। आज एक मॉक टेस्ट देना है, प्रीलिम्स लेवल का देना है और उसका एनालिसिस करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये करना है। इवन आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि कितने मार्क्स आए। हमेशा आप लोग पूछते हो कि मैम अच्छा मॉक टेस्ट एक कोई रिकमेंड कीजिए जो अफोर्डेबल प्राइस पर भी हो और एग्ज़ाम में भी उसमें जैसा हमारा मॉक आए वैसा एग्ज़ाम में भी हमें देखने के लिए मिले। तो गाइस टेस्ट बुक से बेटर मुझे नहीं लगा कोई भी, इसलिए मैं आप लोगों को टेस्ट बुक रिकमेंड कर रही हूँ। आपको एक तो ये अफोर्डेबल प्राइस पर है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा कोड लगाओगे आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दूसरा क्या इसमें अच्छा है, इतने गाइस आपके जितने भी साल भर के एग्जाम्स हैं सारे कवर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कभी भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ मॉक्स की कमी नहीं पड़ने वाली है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो आप मेमोरी बेस्ड देखते हो, जो आप मॉक टेस्ट देखते हो, इवन जो आप लोग एग्ज़ाम्स आप लोग जो अभी तक दे चुके हो एकाद्री के, आप लोग यहाँ से लगाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसा आता है जैसा हम लोगों को एग्ज़ाम में देखने मिलता है वैसा टेस्ट बुक के मॉक में रहता है। जो बच्चे इसको परचेज़ कर चुके हैं, जो लगा रहे हैं,
टेलीग्राम पर भी आप लोग मुझे बहुत सारे बच्चे यहाँ का स्क्रीनशॉट, टेस्टबुक का स्क्रीनशॉट देते हो मुझे. आप लोग कहते हो कि हाँ मैम बहुत सही है, आपने बहुत अच्छा रिकमेंड किया है. तो गाइज जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो लोग ले सकते हैं. और कभी भी एक मॉक टेस्ट पर रिलाई मत करना, आपने कोई और भी ले रखा है तो भी आप लोग परचेस कर सकते हो. क्यों? क्योंकि सब में से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है. ओके, नेक्स्ट आपका जो काम है वो है वॉकैब रिविजन करना. वॉकैब रिविजन क्या है? जो मॉर्निंग में वर्ड कलेक्शन किया था गाइज उसका रिविजन, जो प्रीवियस डे में वर्ड कलेक्शन किए हैं उसका रिविजन. एडिटोरियल का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आपने मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है. ठीक है गाइस, आप लोग उस द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े हो, उसके आपने चीज़ें समझने की कोशिश की हैं. अब वो चीज़ें आप लोग निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल देख सकते हो, क्योंकि मैम उस तरीके से बताती हैं. सिर्फ एडिटोरियल ही नहीं रहता है वो, एक तो एडिटोरियल का एडिटोरियल क्योंकि आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने अपनी लैंग्वेज में पढ़ा. आप यहां से मैम से पढ़ोगे तो चीज़ें आप समझने की कोशिश करोगे कि हाँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई थी, यहां थोड़ा सा दिक्कत थी लेकिन समझ में आ गया. अब मैम के बताने का तरीका क्या है कि जो एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, जो एडिटोरियल से पार्ट बनते हैं वो मैम बहुत अच्छे से आपको बता देती हैं. तो आप लोग यहां से निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल वीडियो डेली देखना है आपने. करंट अफेयर्स के क्विजेस बहुत ज़रूरी हैं. क्विजेस लगाने से हम लोगों की प्रैक्टिस बढ़ती है करंट अफेयर्स पे. अड्डा 247 ऐप से लगा सकते हो आप. और प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है. अब आप लोग पूछते हो मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो गाइडली बंडल कॉम्बो पीडीएफ मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करती हूँ. ये भी आपको मैं बोलूँगी ईयरली वाला लो, बिकॉज अभी आपका एक एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे बैंक के एग्ज़ाम्स आप लोगों के आने वाले हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए. हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है गाइस. वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाता है और डे वाइज अपडेटेड पीडीएफ आपको मिलते हैं यहां पर. एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वालिटी बेस्ट है जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, मैंने खुद लगा के देखे हैं. वीडियो सॉल्यूशन से आप लोगों को बहुत फायदा एक ये है कि आपको जो चीज नहीं समझ में आती है, एक तो वहां से आप इसका सॉल्यूशन देख के समझ सकते हो. एनीवन कैन अफोर्ड लिखा है गाइस, अफोर्डेबल प्राइस पर है आपका, पूरे साल का आप लोगों को मिल रहा है. बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बोलूंगी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग मेरा कोड लगाएंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है. तो आज आप सब लोग मुझे अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स शेयर करने वाले हैं और इस टू डू लिस्ट को फॉलो करने वाले हैं अच्छे से. और 11 बजे से 12 बजे तक मॉक टेस्ट आप लोगों को लाइव जो मैं करवाने वाली हूँ वो आपका अनअकैडमी पर रहने वाला है. सब लोग जुड़ेंगे वहाँ पर और अपने आप को देखेंगे कि हाँ आप लोग कितना अच्छे से कर पा रहे हो. पोल में आंसर करना है, सब चीज़ करना है आपने, और आना है 11 बजे से 12 बजे तक अनअकैडमी पे, देन 3 से 4 बजे तक. आज की टू डू लिस्ट कैसी लगी आप लोगों को मुझे लाइक करके बताना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है गाइस, जिससे मैं आप लोगों के लिए डेली जो ला रही हूँ मुझे भी मोटिवेशन आती रहे. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं 11 बजे अनअकैडमी पर.